आपके शरीर में जो 7 चक्रास हैं, अगर वो किसी तरह से एक्टिवेट या फिर बैलेंस्ड हो गए तो आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आपके 7 चक्रास बैलेंस्ड हैं तब इस दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी, चाहे वो कोरोना वायरस ही क्यों ना हो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि चक्रास के बैलेंस्ड यानी कि संतुलित होने के बाद आपका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आइए, मैं हूँ ऑस्कर ओवेन और आप देख रहे हैं द नॉलेज इज पावर। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चक्रास हैं क्या और इसके पीछे का 100% साइंटिफिक सबूत भी मैं आपको दूंगा, और आप इन चक्रास को बैलेंस्ड कैसे कर सकते हो, इसके कौन कौन से तरीके हैं। 1975 में एक प्रोफेसर वैलरी हंट ने ये पता लगाया और साथ ही साथ रिकॉर्ड भी किया कि इंसानी शरीर से रेडिएशंस निकल रहे हैं, और वो बिल्कुल उन्हीं जगहों से निकल रहे हैं जहाँ पर चक्रास पॉइंट्स यानी कि चक्रास होते हैं। उन्होंने चक्रास के साउंड वेव फ्रिक्वेंसीज के साथ साथ उनके कलर्स को भी रिकॉर्ड किया। लेकिन गजब की बात तो ये है कि जैसे एंशियंट हिंदू परंपरा में बताया गया था, चक्रास बिल्कुल उन्हीं जगहों पर लोकेटेड थे और उनका कलर भी सेम टू सेम वही था। ज़रा सोचिए कितनी गजब बात है, बिना किसी टेक्नोलॉजी की मदद के उस समय के एंशियंट हिंदू लोगों ने ये बता दिया कि चक्रास कहाँ पर लोकेटेड है। डॉक्टर वैलरी हंट ने ये पता लगा लिया था कि चक्रास हमारे शरीर में कहाँ पर होते हैं और उनका रंग कैसा होता है और साथ ही साथ उनके आवाज़ों को भी। चक्रास को हम किसी एक्सरे की मदद से तो नहीं देख सकते, लेकिन वैज्ञानिक इनके घूमने को रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से देख सकते हैं। ये जो चक्रा शब्द है, ये एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है व्हील यानी कि पहिया। चक्रा जो है वो एनर्जी यानी कि ऊर्जा को जमा कर रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और ये उन ऊर्जाओं को इकट्ठा कर रखता है जो कि हमारे फिजिकल शरीर को हमारी आत्मा से जोड़ते हैं। हर एक चक्रा अपने खुद के अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर काम करता है जो कि उसका रंग रूप और खूबियाँ तय करता है। जिस चक्रा सिस्टम के बारे में आपको पता होगा वो होगा शायद 7 चक्रा सिस्टम, जिसमें हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से से लेकर हमारे सर के ऊपर तक लाइन से चक्रास होते हैं। और भी कई सारे चक्रा सिस्टम होते हैं जैसे कि 5 चक्रा सिस्टम, 7, 6, 9 चक्रा सिस्टम, 12 चक्रा सिस्टम। यहाँ तक कि अगर आप अपने शरीर के सभी अलग अलग हिस्सों के एनर्जी सेंटर्स को मिला दोगे तब पूरे 108 चक्रा सिस्टम भी बन जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 7 चक्रा सिस्टम के बारे में जानेंगे। प्रैक्टिशनर्स यानी कि वो लोग जो कि बिगड़े हुए चक्रा को फिर से बैलेंस्ड यानी कि संतुलित करते हैं, वो ये पता लगाने के लिए कि चक्रा बैलेंस्ड है या नहीं, पेंडुलम का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई चक्रा इम्बैलेंस्ड यानी कि असंतुलित होता है, बिगड़ा हुआ होता है, तब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बजाय क्लॉकवाइज घूमने लगता है। अगर कोई चक्रा जो है वो बहुत जल्दी जल्दी घूम रहा है या फिर बहुत धीरे धीरे घूम रहा है, तब इसका मतलब है कि वो इम्बैलेंस्ड यानी कि असंतुलित है। अभी के समय में ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं जिनकी मदद से हम चक्रास की पढ़ाई कर सकते हैं। एक नया डिवाइस जिसका नाम है बायोवेल, जिसको बनाया है रशिया के एक साइंटिस्ट ने। बायोवेल मशीन की मदद से हम सिर्फ एक इंसान की उंगलियों को स्कैन कर ये पता लगा सकते हैं कि एक इंसान का चक्रा बैलेंस्ड है या फिर नहीं, एक नई टेक्निक की मदद से जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोटोनिक इमेजिंग टेक्निक। इस डिवाइस की मदद से चक्रास के जो रीडिंग्स कंप्यूटर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होते हैं उनकी प्रैक्टिशनर्स जांच करता है और देखता है कि कौन सा चक्रा जो है वो लाइन से बाहर निकला हुआ है यानी कि बिगड़ा हुआ है। चक्रास की ब्लॉक्ड होने की कई सारी निशानियां हैं जैसे कि सोने में दिक्कत आना, ध्यान ना लगा पाना, परेशानी होना और बेवजह गुस्सा आना, और किसी दूसरे इंसान के साथ बातचीत करने में दिक्कत होना। अगर एक इंसान का चक्रा ब्लॉक्ड है तो उसका शरीर तो कमज़ोर होगा ही और साथ ही साथ उसका दिमाग भी। तो अब सवाल ये है कि अगर आपका कोई चक्रा ब्लॉक्ड हो गया है या फिर बहुत तेज़ी या फिर बहुत धीरे से घूम रहा है, तो आप इस इम्बैलेंस को ठीक या फिर बैलेंस कैसे करें। चक्रास को फिर से बैलेंस्ड यानी कि संतुलित करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि चक्रास को ठीक करने के लिए मेडिटेशन करना या फिर कोई ऐसी चीज़ खाना जिसका कलर और वाइब्रेशन बिल्कुल उस चक्रा से मिलता जुलता हो, ट्यूनिंग फॉर्क या फिर किसी और तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना जिसकी फ्रीक्वेंसी बिगड़े हुए चक्रा से मिलती जुलती हो, योगा और टाई ची और की कॉन्ग की प्रैक्टिस की मदद से भी बिगड़े हुए चक्रा को ठीक किया जा सकता है। एक्यूपंचर या फिर रेकी की मदद से भी बिगड़े हुए चक्रा को बैलेंस्ड किया जा सकता है। ऐसी कई सारी स्टडीज़ हैं जिनमें ये पाया गया है कि एनर्जी हीलिंग की मदद से भी बिगड़े हुए चक्रा को बैलेंस्ड किया जा सकता है। तो अगर आपको एनर्जी हीलिंग या फिर साइक हीलिंग के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप अपने चक्रास को एक्टिवेट या फिर बैलेंस करना चाहोगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें
और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।